को भी, पर्वतों को भी, शिलाओं को भी मनुष्य बनाया, और रावण ने मनुष्यों को भी पशु बनाया। मारी झूला ना बनू तो कृपाण निकाल ली, मौन बनता। अब मारीच ने देखा कि दोनों तरफ मरना है, उतर दे तो मुझे बधव। ये बधव शब्द कितना सुंदर ढंग से श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, बधव। इधर से पढ़ो तो बधव, उधर से पढ़ो तो बधव। मारीच सोचता इधर भी मरेंगे उधर भी मरेंगे, लेकिन यह है कि इधर मरेंगे तो बार बार मरेंगे, और उधर मरेंगे तो बार बार मरना छूट जाएगा। कस न मरो रघुपति सर लागे, मनाति हरस जनाव नते ही, आज देखियो परम स्नेही, जिनके पीछे सारा संसार भागता है, वे भगवान आज मेरे पीछे भागेंगे। गया, खड़ा हो गया। रावण ने अकेले में योजना बनाई थी, भगवान ने भी अकेले में। लक्ष्मण गए बनाई जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहंस कृपा सुख वृंद, आप पावक में निवास करें जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं। और ये पावक क्या है? यह है जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। मेरे क्रोध रूपी पावक में रहिए, आप कृपा वारी में बहुत दिन तक रहे। अब कोई राक्षस आए तो उसे मारने की प्रेरणा देना, ठीक है। प्रभुपद ही ये धरी अनल समानी, निज प्रतिबिंब राखी तहां सीता। मारी चाया तो पुरानी आदत, जानकी जी बोली यही मृग कर अति सुंदर छला, बड़ा सुंदर है। भगवान ने कहा सुंदर है ये, क्या बताऊं अब, ये सुंदर है, कपटी है ये, मारीच है, हिरण के रूप में आया। श्री जानकी माता बोली प्रभु इसका कपट भी सुंदर है। कैसे? बोले जब ये कपटी नहीं था तब आपसे दूर था, और कपटी बना तो आपके पास आ गया। धन्य है ऐसा कपट जो जीव को आपसे जोड़ देता है। भगवान बोले तो हम करें क्या? राम जी की आज्ञा को विचार करके श्री जानकी जी ने कहा इसका वध करके मृग चर्म ले आओ। पाई पालीवी जोग मंजु मृग, और नहीं तो बाण मार कर इसकी छाल ले आओ। ठीक है, भगवान धनुष बाण उठा के सब कारण जानते हुए भी चल दिए, और यह छल कपट करता जा रहा, भाग रहा, भाग रहा, आगे देख रहा है पीछे। भगवान ने कहा आगे भाग रहे हो, पीछे क्या देख रहे हो? कहा भाग्य मुझे आगे ले जा रहा है, भाव पीछे देखने के लिए विवश कर रहा है। मैं यही देख रहा हूं कि मैं तो आप तक नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? भगवान ने कहा कि जानकी जी की कृपा जिस पर हो जाती है उसके पीछे पड़कर मैं उसे गति दे देता हूं। राम जी पीछे पीछे बड़ी दूर तक ले गया। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, प्रगटत दुरत संदेश देती है। जनकपुर में कई विशेषताएं हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
गोरखपुर के निवासियों की विशेषता सुनो।